यकीन कर ले छोरा। चकुट्टी काट लीजिए, अब यकीन हो गया पिताजी। आहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हो गए। कैसे आना हुआ पिताजी? छोरा तुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मारी जिंदगी में मैंने बस पिताजी कुछ बोलने की जरूरत ना है, मैं सब समझ गया। आपका ये बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। आप जो कार्य अधूरा छोड़कर गए थे, मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। आप देखना, धरती पर एक भी सांप जीवित नहीं बचेगा। ना छोरा ना, जो पाप मैंने किया वो तू ना कर। पाप? मासूम बेजुबान सांपों को मारना ये पाप नहीं तो और क्या है? पिताजी ये क्या बोल रहे हैं आप? एक सांप ने आपको? छोरा, इंसान हो या जानवर, हम सबको जिंदगी ईश्वर देता है, और ईश्वर की दी हुई जिंदगी छीनने का हमें कोई हक ना है। ईश्वर ने कुछ खास मकसद से हम सबको बनाया है, हमें उस मकसद को समझना चाहिए। मैंने ये बात बहुत देर से समझी है, और जब मैंने देखा कि तू भी वही गलती कर रहा है जो मैंने की थी, तो मैं आज तुझे रोकने आ गया। पिताजी, आपकी मौत की वजह एक सांप था, और आप उन्हें क्षमा कर रहे हैं? आपकी उदारता देखकर मेरी आंखें भर आईं। लेकिन पिताजी, मैं आपकी तरह महान नहीं हूं। जिसने मेरे पिताजी के साथ अन्याय किया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप जैसे महान पुरुष को मारकर उस सांप ने पूरी पृथ्वी का नुकसान किया है। मैं सांपों को छोड़ूंगा नहीं, उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। छोरे, मारी मौत तो पिछले जन्म की बात है, इस जन्म का उससे कोई लेना देना नहीं है। पिछले जन्म का बदला इस जन्म में लें, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। बिल्कुल है, लेकिन आपके साथ सांपों ने जो कुछ किया वो भी प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। छोरे, किसको कैसी मौत आनी है ये तो विधि लिखित है, उसमें किसी को दोष देना ये ठीक नहीं है। ऐसा है तो सांपों से मेरा बदला लेना ये भी विधि लिखित है। वो सिद्ध पुरुष मुझे क्यों मिले? मुझे पिछले जन्म के बारे में क्यों बताते? पिताजी, ये सब ईश्वर पिता। ईश्वर चाहता है कि मैं सांपों से बदला लूं, मैं उन्हें मारूं। कौन है? अरे कौन है वहां? देखभाल त्रिभुवन, कौन है? भगा इसको। पिताजी, 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 मैं शांति से सोचकर ही इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। सांपों को इस पृथ्वी से नष्ट करने का सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। एक भी सांप को नहीं छोड़ूंगा, मैं जरूर पूरा करूंगा। अप्पू, अप्पू को मैंने सोने भेज दिया है, रात बहुत हो गई है तो। अच्छा किया आपने, लेकिन बबल जी अब क्या करेंगे? मुश्किल अभी भी वही की वही है। आपने देखा ना पिताजी, अभी भी। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। आज नहीं तो कल पिताजी को हमारी बात माननी होगी। लेकिन तब तक बबल जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी मुश्किल से हम एक हुए हैं, अब मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अच्छा, सात जन्मों का रिश्ता है हमारा, और इतना आसान थोड़ी ना है कि कोई भी आकर इसे। तुम चिंता छोड़ दो, सो जा। मुझे नींद नहीं आएगी बबल जी। नींद नहीं आएगी? लोरी गा दूं? बबल जी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे नहीं इच्छा, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें बचपन में नींद नहीं आती थी, तुम्हारी माँ क्या करती थी? दूध पिलाती थी। दूध पिलाती थी? हाँ। इच्छा, ये वाकई नींद का इलाज है या दूध पीने का बहाना? बबल जी। बस
हमेशा ऐसे ही हंसती रहना। अच्छा तुम उदास होती हो ना, तो ऐसा लगता है मेरी जिंदगी रुक गई है। केसर का खेत में देख लिया जो तू इतना हंस रहा है। अरे सुन तो सही माँ, कल रात पिताजी मुझसे खुद मिलने आए थे। ऐसी बातें कर रहा है, थारे पिताजी को तो गुजरे हुए। अरे माँ सपने में आए थे, सपने में। थारे सपने में क्यों आए, मारे से मिलने मारे सपने में भी तो आ सकते थे। अरे माँ मारे सपने में इस जन्म के पिताजी ना पिछले जन्म के पिताजी मिलने के लिए आए थे। ओ, पिछले जन्म के पिताजी सर हमारे पास तो आ, पहले नहीं बता सकता था कि बेकार में मैंने जज्बाती कर दिया। अरे माँ तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया। पिताजी ने मुझसे कहा बेटा सांपों को मारना छोड़ दे, उन्हें बख्श दे। अब थारी अक्ल ठिकाने पर आई। आधी आधी अभी वही, मतलब पिताजी के सामने मैंने भी एक कंडीशन रख दी। मैं बोल रहा पिताजी जंगल के सांपों को मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जो सांप घरों में घुस के लोगों को परेशान करेंगे मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। मारी बात सुनकर पिताजी धुआं हो गए, पर मन ने पूरा यकीन हो गया पिताजी मारी बात से पूरी तरह से सहमत है। मारे अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। माँ ए माँ, मैं सोच रहा था कि अपने घर के आंगन में एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा नेवला पालने के। हैं बावला पालने? अरे पिताजी वो किस लिए? ए भाई जब तुम दोनों हो तो मुझे तीसरा बावला पालने की क्या जरूरत है? एक मिनट पिताजी। अरे पिताजी बावला नहीं नेवला कह रहे, नेवला पालने को कह रहे हैं। अरे पिताजी नेवला क्यों, जरूरत क्या है नेवले की? और हमारे घर में कहा रोज रोज सांप निकलते रहते हैं। अरे भाई रोज ना निकलते तो कभी कभार तो निकले हैं ना, अगर घर में नेवला रहेगा ना तो हमें उसका डर भी ना रहेगा। और सबसे बड़ी बात अगर आस पड़ोस में कोई सांप निकला तो हम नेवले की मदद ले लेंगे। क्यों भाई? हाँ पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या ठीक कह रहे हैं भैया, नेवला कोई पालने की चीज होती है पिताजी? नेवला एक जंगली जानवर होता है, और भगवान ना करे घर में किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो? अरे भाई उसे खुला थोड़ी छोड़ेंगे, पिंजरे में बंद करके रखेंगे। लेकिन पिताजी आप इच्छा पिताजी मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी इसलिए यहाँ आ गया। अब तो यहाँ वाकू भी नहीं है, वरना उससे तेरी खबर मिलती रहती थी। अच्छा हुआ आप आ गए, वैसे भी मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। आइए ना। अच्छा सुन मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? नाग पंचमी आ रही है ना, तेरी माँ ने तेरे लिए दूध की मिठाई भेजी है। हाँ हाँ आप पहले अंदर तो आइए। लेकिन माँ क्यों नहीं आई? बेटा वो आना चाहती थी लेकिन उसकी तबीयत खराब है, वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई है इसलिए मैं उसे नहीं लाया। अब नाराज होकर बैठी होगी मुझसे। कोई बात नहीं आप आइए। चल अब प्रणाम। प्रणाम। बिराजो जी बिराजो। जी 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 ये आप सबके लिए। हमारे गांव की खास मिठाई है, इच्छा की माँ ने भेजा आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छा की माता जी खुद क्यों नहीं आई? पिछली बार भी नहीं आई थी, उनसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है। जी वो आना तो चाहती थी मगर हमारे यहाँ नागपंचमी से पहले माँ अपनी बेटी के ससुराल नहीं जाती। अच्छा क्या लेंगे आप, चाय या लस्सी? जी मैं कुछ नहीं, मैं बस पानी। तो पानी से काम ना चलेगा, कुछ और लेना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल कुछ तो लेना होगा। ठीक है
आप जोर दे रही हैं तो मैं एक ग्लास दूध पीऊंगा। दूध दूध, जैसी बेटी वैसे ही पिता। अरे ममता, जा जाके दूध लिया। जी पिताजी। आप आराम से बैठ के दूध पियो, मैं अभी आया। आप कहीं जा रहे हैं? नेवला खरीदने। नेवला? लेकिन नेवला क्यों? क्यों मतलब? अरे हम पालना चाहते हैं। लेकिन आजकल नेवला पालता कौन है? और वैसे भी नेवला आपके घर के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं अच्छा होगा? ये एक इंटरनेशनल सपेरे का घर है। क्या? मैं समझाता हूँ आपको। पिछले जन्म में मैं एक सपेरा था, तो हुआ ना ये घर एक सपेरे का। और सपेरे के घर में नेवला ना हो, ये बड़ा अजीब सा लगे है। अरे क्या बात कर रहे हो पिताजी, एक नेवले के ना होने से हमारा घर गरीब क्यों लगेगा? अबे ओ गरीब खोपड़ी, मैंने अजीब बोला, अजीब। चुप रह। लेकिन पिछले जन्म को इस जन्म से क्यों जोड़ रहे हो? ना, मैं नहीं जोड़ रहा, ये तो भगवान ने जोड़ा है, भगवान ने, तभी तो। पिताजी पिताजी, इनकी बात तो सुन लीजिए। अरे मैं तो सुन रहा हूँ, यही मेरी बात ना सुन रहे हैं, कह रहे नेवला मत खरीदो। आप समझ नहीं रहे खड़क जी, नेवला मेरी बेटी की जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है। मतलब? पिताजी, इनका मतलब है मुझे बचपन से नेवलों से डर लगता है। जी, मेरी आप सबसे विनती है कि आप इस घर में नेवला ना पालें। आपकी बेटी मारी बहू है, उसकी भी हमें घनी चिंता है, उसके मन से नेवले का डर मैं निकाल दूंगा, लेकिन इस घर में नेवला आवेगा जरूर। इतना सब करने के बजाय घर में नेवला आए ना तो? देखो जी, ये घर मारा है, इस घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये मैं डिसाइड करूंगा। तो मेरी भी बात सुन लीजिए, अगर नेवला इस घर में आएगा तो मेरी बेटी इच्छा इस घर में नहीं रहेगी, मैं उसे लेकर यहां से चला जाऊंगा। समझी जी? अरे आप समझ नहीं रही हैं। देखिए, मेरी बेटी बहुत डरती है नेवलों से, नेवले का नाम सुनते ही उसके पसीने छूट जाते हैं, और अगर ऐसे में कुछ नहीं नहीं, मैं किसी को अपनी बेटी को परेशान करने नहीं दूंगा। देखिए, आप शांत हो जाइए प्लीज। पिताजी आप भी, एकदम से इतना बड़ा फैसला, इसी कोई जरूरत नहीं है। माफ कीजिए, जज्बात में आकर मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मैं चलता हूं। आखिर हो ही गया गलती का एहसास, अगर नहीं भी होता ना तो कोई बात ना, नेवला तो इस घर में आके रहेगा। सुन रहे हो आप? सुनते जाओ, सुनते जाओ, नेवला आके रहेगा इस घर में, कुछ भी कर लेना तुम। क्या हुआ बबल जी, आप इस तरह क्यों चले? अच्छा, जिस तरह तुम्हारे पिताजी ने मेरे घर वालों से बात की, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मानता हूं गलती पिताजी की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो एकदम से रिश्ता तोड़ने की बात करें। मैं समझ सकती हूं बबल जी, लेकिन वो नेवले की बात सुनकर अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में पड़ते देख कोई भी पिता इसी तरह बर्ताव करेगा ना? अच्छा, कम से कम उन्हें अपने दामाद पे तो विश्वास होना चाहिए। इच्छा, मैं तुम्हारे लिए नेवला क्षेत्र में घुस सकता हूँ, तो क्या तुम्हें घर में एक नेवले से बचा नहीं सकता? हद से ज्यादा गुस्सा बात को बिगाड़ देता है इच्छा, और जब सामने वाला गुस्से में हो तो हमें शांत हो जाना चाहिए। बब्बल जी, ये बात आपके पिताजी पर भी लागू होती है। मतलब मेरे पिताजी की गलती के बदले तुम्हारे पिताजी एक और गलती करेंगे? मेरे पिताजी आपके पिताजी, ये भेदभाव आप कब से करने लगे? मैं नहीं कर रहा, तुम कर रही हो इच्छा। बब्बल जी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। इच्छा, गलती तुम्हारे पिताजी की ही थी, मेरे पिताजी की इज्जत चाहे जो भी हो, उन्होंने रिश्ता तोड़ने की बात नहीं की थी। अरे उन्हें पता भी नहीं कि तुम एक नागिन हो, तो वो इस बात की गहराई को कैसे समझ सकते हैं? लेकिन तुम्हारे पिताजी, अरे वो तो सब जानते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने बाहर बर्ताव किया ना इच्छा, नहीं बहुत गलत किया उन्होंने। पापा जी, आप बेवजह मेरे पिताजी को। मैं बेवजह कुछ? चाचू चाची, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? अरे ये वक्त झगड़ने का नहीं है, आप दोनों को मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ये खड़क भी ना बड़ा जिद्दी आदमी है,
एक बात उसके दिमाग में बैठ गई तो फिर निकलती ना है। क्या हुआ तुझे? किसने की तेरी ये हालत? माँ, मैं तो सिर्फ उनसे मिलने गया था, पता नहीं मतलब बीच रास्ते में किसी ने मुझ पर हमला कर दिया, बहुत पिटा मुझे। पिताजी, आप किससे मिलने गए थे? अरे छोरे, वो जरूरी ना है, मुझ पर किसने हमला किया ये जानना जरूरी है। अरे वही तो पूछ रहे पिताजी, किसने बनाई आपकी ये हालत? मैंने कुछ ना देखा बेटे, पीछे से किसी ने मेरे मुंह पे कपड़ा डाला और आप शांत हो जाइए पिताजी, आपको तकलीफ हो रही होगी। अरे पिताजी, बस एक बार बता दो किससे मिलने गए थे? अरे छोरे, मैं तो सिर्फ उनसे मिलने गया था, टाइम फिक्स करना था, आज शाम 7 बजे का उनका यहाँ आने का टाइम फिक्स हुआ है। चंचल, इसे अंदर ले जा और मरहम पट्टी कर। प्रबल सफर, जा मदद कर। मैं खुद जाऊंगा। मैं जानता हूँ मेरे पिताजी की हालत किसने की है। आप जानते हैं? एक ही आदमी हो सकता है। कौन? तुम्हारे पिताजी। बाबा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? माना कि मेरे और आपके पिताजी में बहस हुई। एग्जैक्टली, बहस हुई थी ना, उसी का गुस्सा था उनके दिमाग में और वही निकाला उन्होंने। वो कह भी तो रहे थे अगर मेरी बेटी को किसी ने परेशान किया तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक बात बताऊं, अगर मेरे पिताजी को कुछ करना ही होता ना तो उन्हें गुंडों से मदद लेने की जरूरत नहीं थी, उनके फुफकार ही। बब्बल जी, आप भी जानते हैं मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, अपनी बेटी के ससुर को मारने जैसी गंदी हरकत वो सपने में भी नहीं कर सकते। तो और कौन मारेगा मेरे पिताजी को और क्यों मारेगा? तुम्हारे पिताजी के पास बजट थी, उन्हें मेरे पिताजी के साथ बहस करनी ही नहीं चाहिए थी। अरे चाचू चाची, आप फिर से शुरू हो गए। अगर आप इसी तरह झगड़ते रहेंगे तो हमारे सेकंड मिशन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। जल्दी से पैचअप कर लीजिए, सॉरी बोलिए एक दूसरे को और बात को यही खत्म कीजिए जल्दी से। आप दोनों जानते हैं आप इस दुनिया के बेस्ट कपल हो, और बेस्ट कपल झगड़ते नहीं, एक दूसरे को समझते हैं, समझाते हैं। दोनों तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे, अब कैसे समझाऊं मैं इन्हें? उनका आने का समय हो गया, समझ गए, चलो गए, आजा, समझ गए। खड़क, क्या हो रहा है तुझे? और कौन आने वाला है तू बताएगा हमें? थोड़ा इंतजार और कर माँ, अपनी आंखों से देख लेना, वो आ जाएगी, वो आ जाएगा, आ जा। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.